अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय होम्स कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बिना ओवन के घर पर ही प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप देख सकते हो उसका टेक्सचर कितना फ्लफी एंड कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा ऐसा बाउल लेंगे, इस तरह से एक छन्नी लेंगे। देन इसमें अब हम हाफ कप फ्लोर यानी कि मैदा डालेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे जो मीठा सोडा होता है, एंड पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। देन हम इन सबको अच्छे से इस छन्नी से छान लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ देखिए छान लिए हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से इन सबको मिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ हमने मिक्स भी कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम दो अंडे लेंगे, ये रहा हमारा फर्स्ट एग एंड और एक लेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी बेकिंग के लिए अगर अंडे लेना तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यूज़ करें, डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के यूज़ ना करें, ठीक है। हमेशा आपको ये याद रखना है। देन अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसे हम अच्छे से बीट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब हम इसमें हाफ कप जितना हम मैदा लेंगे उतनी मेजरमेंट में हमें चीनी यूज़ करनी है। तो यहाँ मैंने पहले थोड़ी डाली हूँ हाफ कप में से, देन अब मैं इसमें पूरी डाल दूँगी और उसे हम अच्छे से मिक्स होने देंगे, यानी कि जो हमारी चीनी हमने डाले उसे हम अच्छे से मेल्ट होने तक के, उसमें डिजॉल्व होने तक के बीट करेंगे। और यहाँ हमने इसे अच्छे से बीट कर लिए है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून। तो आप ध्यान रखिए आप तेल डालने के बाद है ना उसे ज़्यादा भी ना फेंटे, वरना जो उसका क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है वो उससे भी कम हो जाती है। तो आपको ज़्यादा नहीं फेंटना है ऑयल डालने के बाद। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं, मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम घर पर ही बटर पेपर कैसे बनाएं। तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है बटर पेपर, गांव में तो बहुत ही मुश्किल होता है ये मिलना। तो आप इसे घर पे जो नोटबुक होती है बच्चे लोग की उससे आप बहुत ही आसानी से इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपको जो भी टीन ले रहे हो आप हाफ के जी 1 kg का, उस पर बस यू इस पे बुक पे रखना है आपको पेपर पे, देन राउंड करके पेन की मदद से उसे कट कर लेना है। देन इस तरह से आपको ब्रश से ऑयल में डिप करके इसे पूरा ग्रीस करना है, इस तरह से लगा के ले लेना है। तो आप देख सकते हो इसे बहुत ही अच्छे से जब आपका केक बेक हो जाता है तो बहुत ही ईजीली से डीमोल्ड हो जाता है, आप देख सकोगे। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसे इसमें भी ऑयल लगा के मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अब जो एक्स्ट्रा मैदा है इसमें वो हम एक प्लेट रख के उसमें टैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसमें जो हमारा होममेड बटर पेपर है उसे इस तरह से डाल देंगे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा बनके हमारे केक टिन रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम जो अंडे का है, अंडे का फेटा हुआ उसमें हम मैदे का जो मिक्सचर है उसे डाल देंगे और है ना इसमें हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। और हमें इसे एक साथ पूरा नहीं डालना है मैदे को, हम इसे 2 से 3 स्टेप में डाल के इसे यू गोल करके बीच में कट मारेंगे, मतलब कि इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा
इसे मिक्स करना है, या फिर आप जो विस्कर होता है स्टील का आता है उससे भी आप इसे एक ही डायरेक्शन में गोल घुमा के मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब हम इसे केक टिन में पोर करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी फॉर्म हुई है। तो ये देखिए इसे हम पूरी तरह से, हमें वेस्ट नहीं करना है, हम पूरा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमने डाल दिए है, तो अब हम इसे टूथपिक की मदद से यूँ ऐसा गोल घुमा के लेंगे। और अब हम इसे 3 से 4 बार इस तरह से टैप करना है ताकि अंदर कहीं पे भी एयर बबल ना जमे हो। तो ये देखिए हमने यहाँ कुकर को 5 मिनट प्रीहीट के लिए लो फ्लेम पे रख दिए थे, और इसमें हम इस तरह से स्टैंड रख के रख देंगे जो हमारा केक टिन है, एंड हम इस पर इस तरह से कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। हमें सीटी नहीं लगानी है, बस उसका जो रबर होता है वो लगाना है। तो इसे हम 35 मिनट्स पकाएंगे। तो ये देखिए 35 मिनट्स जैसे ही हो रहे हैं तो इसमें से ऊपर से भाप आने लगती है, यानी कि स्टीम जमती है ऊपर। तो फिर समझ जाना कि हमारा केक पक चुका है। तो ये देखिए अभी तो बहुत गर्म है, इसे मैं हल्के से कर रही हूँ इसे टच, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत अच्छे से फुल के आ चुका है। तो इसे फिर भी हमें चेक करना है, कभी कभी अंदर से कच्चा होता है तो टूथपिक की मदद से। तो हमारी टूथपिक जो है वो भी एकदम क्लीन आ चुकी है। तो यह हमारा केक बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं उसका टेक्स्चर, वाह बहुत ही प्यारा है, एकदम फ्लफी है, पूरा हाथ टच करने के साथ अंदर जा रहा है। तो हम इसे ऐसे ही नहीं रिमूव करना है, पहले हमें 15 मिनट्स उसे रूम टेम्परेचर पे सेट होने देना है। देन ये देखिए यहाँ 15 मिनट्स हो चुके थे मेरे केक को, तो यहाँ अब हम इसे डीमूल कर लिए है। देन इसमें जो हमने नीचे पेपर लगा लिए थे, जो हमारा बटर पेपर है, उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये निकल जाता है, एंड बहुत ही इजीली डीमोल्ड भी हमारा केक हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से ये बन के और रेडी हो चुका है। बहुत ही स्पॉन्जी है, ये देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करना मेरे इस रेसिपी को। ये देखिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि कितना स्पॉन्जी है, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि बनाना है आपको एक ही बार में, नहीं बनता है जो भी स्टार्टिंग में बनाते हैं तो 2-3 बार बना के फिर वो बैठ जाता है, यानी कि अपने को बनाने आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही बनाएं, ठीक है। तो ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना प्यारा है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।